हमारा दिमाग पावरफुल है, बट उससे ज्यादा पावरफुल हम हैं, क्योंकि हम हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। दिमाग हमको कंट्रोल नहीं कर रहा है, हम हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। हमें खुद को, हमारे दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि जैसे कि अभी हम किस काम को करने बैठे, और उस काम को करने बैठते समय हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो एक बार तो कम से कम अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या अभी इस समय पर जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो क्या मेरे लिए अभी की स्थिति में सही है। भाई हम जब कुछ काम करने बैठते, पढ़ने बैठते, तो पढ़ने बैठे वैसे हमारे दिमाग में 10 तरह की चीज़ें आ जाती है। हमारा माइंड अब्सेंट रहता है उस जगह से, बॉडी तो प्रेजेंट रहती है, माइंड अब्सेंट रहता है। क्यों? क्योंकि हम उस काम को करना तो चाहते हैं 100%, बट हम 1% भी उसको तरीके से नहीं करते। इसका टोटल कनेक्शन हमारे दिमाग से, हमारे दिमाग से, हमारे मन से, क्योंकि हम उसको अगर बताते नहीं हैं। हमारे दिमाग में पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में आया कि मुझे और दूसरा कोई काम करना है या कुछ खेलने जाना है, तो हम हमारे दिमाग को एक बार क्वेश्चन मार्क लगा के ये नहीं बोलते, उससे प्रश्न नहीं करते, खुद से बात नहीं करते कि क्या अभी इस टाइम पर जो मेरे दिमाग में आया कि मेरे को खेलने जाना है, क्या मेरे लिए ज़रूरी है? ये पूछना पड़ेगा खुद से। जब भी मन भटके किसी काम को करने के लिए, हम एक दिन में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, हम एक दिन में राष्ट्रपति नहीं बन सकते, हम एक दिन में कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। हमारा आज का किया गया काम, आज की बात कर रहा हूँ, उस पल पर जिस पल पे उस काम को करने के लिए बैठे हैं, उस टाइम पर हमारे द्वारा किया गया काम उस काम के प्रति ईमानदारी बताएगा, और आने वाले समय में वो काम बहुत अच्छा होगा। काम से पूरा मतलब मेरा सिर्फ पढ़ाई से, कि दिमाग भटका रहा है हमको, कुल मिला के हमारा दिमाग हमको ही भटका रहा है, हमको उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि हमको हमारी लाइफ में आगे चल के बहुत कुछ करना है। अभी हम इस जिस भी स्थिति पर है उसका कारण हम खुद हैं। अभी हम जिस भी स्थिति पर है वो हमारे द्वारा अभी तक किए गए काम का नतीजा है। हम आने वाले समय में क्या होंगे ये हमारे लिए आज मायने रखता है, कि हम आज क्या कर रहे हैं। आज अगर हम किसी काम को बड़े अच्छे से कर रहे हैं, 100% देकर कर रहे हैं, तो आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा। हमारा टारगेट हमारे 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में या 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में या कोई भी क्लास में हमको हमारा परफेक्ट 100% देना है, हमको परफेक्ट होकर निकलना है लास्ट में। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ सोचते रहेंगे उस काम को, सोचते रहो, फिर क्या होगा? जब हम बार बार उस काम को करेंगे नहीं, जब हम उस काम को करने की सोचेंगे, मैं बोल रहा हूँ हमको करना पड़ेगा उस काम को, जब करने की सोचेंगे ना, तो हमारा माइंड, हमारा मन पावरफुल हो जाएगा हमारे आगे। फिर जब भी उस काम को करने बैठोगे तो 10 वजह नहीं करने की लाएगा वो सामने, कि इस वजह से देखो ये काम अभी नहीं करना है। माइंड भटकाता है, मन भटकाता है, तो उसको एक बार कंट्रोल में करना है हमको। कंट्रोल में कैसे होगा? उस टाइम पर, जिस टाइम पर अगर हम पढ़ने बैठे हैं या हमारा माइंड भटक रहा है, हमारा मन भटक रहा है, उस टाइम पर लाकर एक क्वेश्चन मार्क कर देना है कि क्या अभी इस टाइम पर मेरे लिए 2 में से क्या जरूरी है। हमारे पास च्वाइसेस होती है, सही और गलत की च्वाइसेस होती है। हमको पता है कि अगर मैंने इस टाइम पर ये काम नहीं किया तो आने वाले समय में जो मैं चाह रहा हूँ अपने हिसाब से ढलने की, वो कभी भी नहीं होगा। बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम आज बैठे रहे और बैठे बैठे हमारी किस्मत हमको जहाँ लेकर जाएगी हम वहाँ चले जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमको उठना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, पढ़ाई को करने के लिए। खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को ऐसी जगह पर तैयार करना पड़ेगा कि जिस टाइम पर अगर मैं अपनी क्लास में रैंक लाता हूँ या अपनी क्लास में फर्स्ट आता हूँ, तो क्या मैं उस काम के लायक था, इस वजह से उसको तैयार करना पड़ेगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, कि मैं सोचते रहूँ। जब सोचते रहेंगे ना, तो हम हमारे मन को पावरफुल बना रहे होंगे। सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास, हमारे पास उस काम पर, उस चीज़ पर परफॉर्म करने का टाइम, क्योंकि हमको करना है। हमने टारगेट बना लिया है, हमने सोच लिया है, और जब हम किसी चीज़ को करने बैठे, हमारा माइंड भटका रहा है, हमारा मन भटका रहा है कि अभी नहीं, टाल देते हैं उस चीज़ को करने के लिए। जैसे कि सुबह उठना है हमको, हमने अलार्म लगाया है सुबह 4 बजे उठने का, बट जब हम बिस्तर में होते, पूरा रिलैक्स की कंडीशन में बिस्तर में होते, तब 4 बजे जैसे अलार्म बजा, हमारा दिमाग कहाँ जाता है कि इस अलार्म को बंद करके मैं अपने आप को टाइम दे देता हूँ उठने के लिए। जब हम अपने आप को टाइम देते हैं तो वो अलार्म 4 बजे का 5 कब बज जाता है हमको नहीं पता। बट जब ये अलार्म लगाया था हमने 4 बजे का, उससे पहले भी तो सोचना था ना हमको, अलार्म लगाया कब था, रात में लगाया था सोने से पहले, तब हमने डिसाइड की थी इन सब चीज़ों को डिसाइड किया था। तो हम उसको उस टाइम लाकर क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों उसको बहाने दे रहे हैं? बहाने जब हम उस टाइम पर दे रहे हैं ना, तो हम हमारे आने वाले सभी कामों में बहाने देंगे। उठना हमारे लिए असंभव नहीं है, उठना हमारे लिए पॉसिबल है, हम उठ सकते हैं। उठ के जो हमने टारगेट सेट किया है ना, हमारे
आने वाले समय के लिए। आने वाले समय में हमको ऐसा तो नहीं रहना, हमको बदलना है, हमको डिसाइड किया है, हमने अपने आप को चैलेंज दिया है, और उस चैलेंज पर ही हम अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमने तैयार किया नहीं ना अपने आप को। बात कोई एक और चीज़ होती है हमारे दिमाग में, हम किसी चीज़ को करने के लिए एक माइंड सेट कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में माइंड सेट हो गया है, ये मेरे लिए आसान नहीं है, ये मेरे लिए मैं नहीं कर सकता। तो करना क्या है, सिर्फ एक बार कंपैरिजन करो अपने आप को, देखो कि आने वाले कुछ समय में या अभी तक के वो काम मेरे अलावा पहले किसी ने किया है, और ऐसा कोई भी काम नहीं है, मैं जो सोचता हूँ कि ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो कोई नहीं कर सकता है। हमारे दिमाग में हमने एक असंभव नाम के शब्द को लाकर रख दिया है, सिर्फ लाकर रखा है, वास्तविकता से असंभव शब्द का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक दिन में नहीं कर सकते, बट आने वाले समय में जो भी हम बनेंगे वो हमारे आज के काम पर डिपेंड करेगा कि हम आज किसी काम को कितने शिद्दत से बोल सकते हैं, कितने अच्छे से निपटा रहे हैं, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। हमको आगे भी बढ़ना है तो उसके लिए बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमको करना है उन सब चीज़ों को, हमको तराशना पड़ता है, खुद को खुद ही तराशना पड़ता है, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। हमको आखिरी स्थिति तक तो जीरो तो नहीं रहना है। हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हम खुद, हम पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। अगर किसी क्लास में हमसे कोई चीज़ नहीं बनती है तो हम क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं, टीचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, टीचर से पूछते हैं कि ये कहाँ से आए। बट जब हम अकेले खुद उस काम को करने बैठ रहे हैं और उस समय पर हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे सामने टीचर है, बट उस टाइम हम हमारे टीचर तो है, हमको भी तो समझ में आ रहा है ना कि ये मेरे से नहीं हो रहा है तो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से नहीं देखा, इस विषय के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, इस वजह से मेरे से काम नहीं हो रहा है या मेरे से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो देखना है, कब तक देखना है, जब तक कि वो सही ना हो जाए। चीज़ों को जानना है, गणित की चीज़ों को जानना है, बाकी सारी चीज़ों को जानना है, ताकि मैं अपने आप को पावरफुल बना लूं। तुम्हारा स्वाभिमान क्या है, तुम क्या हो, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, तुम क्या हो इससे बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम आने वाले समय में क्या होने वाले हो ये तुमको पता है, खुद को साबित करना पड़ता है। तुम्हारे स्वाभिमान से किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। कब फर्क पड़ेगा, जब एक लेवल पर पहुंच जाओगे, और लेवल पर पहुंचने के लिए उसकी शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। आज से शुरुआत ऐसी कि चीज़ों को बदल कर, अपने आप को सुधार कर, अपने आप को उस जगह के काबिल बनाना पड़ेगा कि जिस जगह मेरे को जाना है। सपने देखने पड़ेंगे, सपने ऐसे पूरे नहीं होते, सपने पूरे करने से पहले सपने देखने पड़ते, और सपने देखने के बाद उस सपने तक कैसे पहुंचा जाता है, उस सपने तक पहुंचने के रास्ते क्या है, मैं कैसे पहुंच सकता हूं, और मेरे को क्या क्या मुश्किलें आएगी, और उन मुश्किलों का मैं कैसे हल निकालूंगा, ये हमको देखना पड़ेगा। जरूरी तो ये नहीं कि आज अगर हम नहीं सोच रहे, और एक और चीज़ कि हम अभी जिस लेवल पर है, अभी जिस जगह पर है, उससे आगे बढ़ने की क्यों नहीं सोच रहे, क्योंकि हमने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया उस जगह के लिए, हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लाकर रख चुके हैं। कंफर्ट जोन ऐसा होता है कि हमको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है बस, हमको नहीं बदलना किसी चीज़ों को, जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रखना है, ये हमारा कंफर्ट जोन है। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर चीज़ों को बदलना है, कुछ आगे करना है। कंफर्ट जोन में बैठकर हम चीज़ों को नहीं बदल सकते। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है कि हम एक ऐसी स्थिति में आने के बाद भी, जहाँ पर हम कुछ नहीं है, वहाँ पर भी हम अपने आप को ये सोचते हैं कि हम ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, ये लेवल मेरे लिए ठीक है, बट ये लेवल हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको उस जगह पर जाना है जहाँ पर हमने डिसाइड किया, क्योंकि हमको एक अच्छे लेवल पर काम करना है, आगे जाके कुछ काम करना है, तो अच्छा बनना पड़ेगा। अच्छा बनने के लिए हमको उस डगान को तोड़ना है जिस पर अभी हम बैठे हुए, क्योंकि हमने दिमाग को चीज़ें बता दी है कि इससे ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए, ना मेरे को इससे आगे जाना है, सब चीज़ें क्लियर है। और जब हमको पता है कि हम ये सब कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर हम नहीं करें तो ये हमारी गलती है। हम जो अभी है वो हमारे अभी तक के कामों का नतीजा है, और हम आने वाले समय में क्या होंगे ये आज डिसाइड करेगा। इस पल पर, इस जगह पर, इस मोमेंट पर मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब भी दिमाग में ये सब कुछ आए, एक बार आके क्वेश्चन मार्क लगा देना है, खुद से पूछ लेना है कि अभी मेरे लिए सही क्या है। जब मैं पढ़ने बैठा हूँ, वो दिमाग दो तरफ काम कर रहा है, दो जगह काम कर रहा है कि अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं कुछ समय के लिए टाल देता हूँ। तो उस समय एक बार पूछ लेना, बात तो करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, हमको अपना अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, खुद का। तो जब वो दोस्त खुद के बनोगे ना, तो बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बताएगा कि अभी इस टाइम पे सही तुम्हारे लिए ये है,
अभी मेरे पास सिर्फ पढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अभी मेरे को किसी जॉब पे नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी को हिसाब नहीं देना है, बट मुझे तैयार होना है एक जगह पर जाने के लिए। बड़े से बड़ा गोल डिसाइड करो, अपना बड़े से बड़ा गोल डिसाइड करो। बिना गोल के तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ चलोगे वहाँ नहीं पहुँचोगे जहाँ पहुँचना है। अगर हम घर से निकले कि मुझे वहीं जाना है, एक टारगेट बना हुआ है, जैसे कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो अगर यहाँ से हम बिना टारगेट के निकले घर से तो कहाँ पहुँचेंगे, तो हमको भी नहीं पता ना। मुझे अगर सिर्फ इतना पता है कि मुझे जाना है तो मैं सिर्फ जाऊँगा, बट मुझे अगर ये पता है कि मुझे यहाँ जाना है तो उस जगह पर जाने के लिए एक परफेक्ट रूट मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। रास्ता कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो रास्ते पे जाने के बाद पता चलेगा। कि अगर मैंने टारगेट बड़ा बनाया है तो मेरी मेहनत भी बड़ी होगी, क्योंकि महल बनने में ज़्यादा समय लगता है और छोटा मकान बनने में समय नहीं लगता। अगर हमारा टारगेट छोटा है, हमारे सपने छोटे हैं, तो हम अगर हमारे हिसाब से भी चले ना तो ठीक है, बट उस छोटे सपने पर पहुँचने के लिए भी हमको उतनी ही ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर टारगेट बड़ा बनाया है तो खुद को हर जगह संभालना है, धैर्य रखना पड़ेगा अपने अंदर। धैर्य से मतलब एक शांति होती है ना दिल में, धैर्य रखकर उस काम को शालीनता से करना है, कि हर जगह हम डगमगा नहीं सकते। क्या होता है कि टारगेट तक आते, एक जगह तक आते, और जब हमसे नहीं होने वाला रहता है ना तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। बट एक बार पूछो तो कि इस जगह पर आकर छोड़ रहे हैं तो टारगेट बनाया ही क्यों था। एक टारगेट बनाया है, काम कर रहे हैं उसके ऊपर, एक प्लान बनाया है, उस पर काम कर रहे, एक जगह पर लाकर उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि हो नहीं रहा था, मुश्किलें आ रही थी। मुश्किलें तो आएंगी, जब तक मुश्किलें नहीं आएगी तो तुम बनोगे कैसे? मुश्किलें आती क्यों है हमारे पास? हमारे पास मुश्किलें इसलिए आती है कि हमको उससे लड़ना आ जाए, क्योंकि आने वाले समय क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। बट हमको ये मालूम है कि आज मेरे पास क्या है, मैं अभी प्रेजेंट में रहकर अपने आप में क्या चेंज कर सकता हूँ, अभी प्रेजेंट में रहकर अभी वर्तमान की कंडीशन में जिस टाइम पे मैं कुछ कर रहा हूँ उस टाइम तो मैं अपना 100% दे सकता हूँ। हाँ, माइंड भटक रहा है तो माइंड से भी पूछ लो कि बेटा तू चाह क्या रहा है। माइंड से पूछो तो कि अभी मेरे लिए जरूरी क्या है। अभी मेरे लिए जरूरी अगर पढ़ना है तो इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आएगा। जब लगा के चिपकाओगे ना वो क्वेश्चन वाला मार्क, तो जो मन नहीं हो रहा था ना पढ़ने का वो उस टाइम पर लगेगा। असंभव कुछ नहीं है हमारे लिए, बट हम करना ही नहीं चाहते। मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ से दिल्ली जाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, और जो घर से निकला ही नहीं है वो तो भटका हुआ है भाई। घर से निकलना पड़ेगा ना कहीं जाने के लिए, अपने टारगेट पर जाने के लिए हमको हमारी इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। उस जगह को छोड़ने के लिए मतलब अभी तक हम ठीक थे, अपनी जगह पर थे, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, ठीक। अब हमने टारगेट बनाया है तो इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक कुछ नहीं किया है, बट आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। अपने आप को धैर्य के साथ एक रास्ते की चीज़ों को देखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। कि जब हमने बना ही लिया है, हमने बना लिया है, एक बड़ा सपना बना लिया, तो फिर आगे क्या देखना और पीछे क्या देखना, उस चीज़ को पूरा करने के लिए सब कुछ भूल कर भी मैं वो काम कर सकता हूँ। वो बोलते हैं ना कि हमको पहचानना है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है, हम किस काम को करना चाहते हैं। तो कौन सा काम होता है ऐसा जिसको हम करना चाहते हैं, हमको पता नहीं होता। हमको पता लगाना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं। क्या करने से मतलब कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और उस काम को करते समय अगर मैं सब कुछ भूल जाऊँ, उस काम को मैं इतने अच्छे से कर रहा हूँ सब कुछ भूल जाऊँ, मेरे बाजू में कौन है, आगे क्या है, पीछे क्या, टाइम भूल जाऊँ उस काम को करते करते, तो वो मेरा इंटरेस्ट है। पढ़ाई मेरा इंटरेस्ट है या नहीं ये खुद को पता लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते मैं भी भूल जाऊं कि मैं कितनी देर से पढ़ रहा था, बिना टाइम देकर मैं 2-3 घंटे से लगातार पढ़ रहा था, तो मुझे पता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है, इस वजह से मैं लगातार पढ़ रहा था। अभी जो काम अगर अच्छे से करोगे तो आने वाले समय में जहां पहुंचोगे ना वहां सिर्फ तुम ही होगे, बाकी और कोई नहीं होगा।